अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और मज़े से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में शामिल करेंगे सैमसंग गैलेक्सी की एक और डिवाइस को जिसको मिलते को लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट। जी हाँ फ्रेंड, मैं बात करूँ सैमसंग गैलेक्सी A50 के बारे में। सैमसंग गैलेक्सी A50 को जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है इस मंथ का। बात करेंगे इसी सिक्योरिटी पैच अपडेट के हवाले से और देखेंगे इस अपडेट के अंदर हमें क्या नया देखने को मिलता है, इस अपडेट का साइज़ क्या है, बिल्ड नंबर क्या है, चेंज लॉग क्या है और क्या इसके अंदर जो है वो आप लोगों को सिक्योरिटी पैच लेवल जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो में पूरा आप लोगों ने पार्टिसिपेट करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो उसका नोटिफिकेशन हासिल करते रहें। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा मैंने बताया कि आज सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर जो है लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। सैमसंग गैलेक्सी A50 जो है कॉर्पोरेट लेवल की डिवाइस है और ये रेगुलरली हर मंथ जो है अपडेट्स जो है वो इसको मिलते हैं। तो आज फाइनली इसको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिल चुका है। इस अपडेट का इमेज आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर अपडेट जो है वो अवेलेबल है सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर। यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो बॉटम पे चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर अपडेट इन्फॉर्मेशन जो है आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। यहाँ पर सबसे पहले जो है वो वर्जन हैं, तीन वर्जन नंबर कौन से मिले हैं सैमसंग गैलेक्सी A50 को। उसमें सबसे पहला जो वर्जन नंबर है A505 FDDU9CVB1। इसके बाद जो सेकेंड वर्जन नंबर है वो A505 FODM9CVB1 और जो लास्ट थर्ड वर्जन नंबर है वो A505 FXXU9CVA5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तीन वर्जन नंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर CVB1 और CVA5 ये आप लोगों को वर्जन नंबर है वो देखने को मिलेंगे सैमसंग गैलेक्सी A50 की डिवाइस के अंदर। यहाँ पर जो अपडेट साइज़ है वो 935.32 MB का है जी फ्रेंड, राउंड अबाउट 1 GB के नज़दीक ये अपडेट साइज़ है। ज़्यादा बड़ा अपडेट साइज़ है सिक्योरिटी पैच लेवल के हवाले से। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को 1 GB का राउंड अबाउट अपडेट साइज़ मिलेगा। डेफिनेटली आप लोगों को अपनी डिवाइस का जो है वो बैकअप ज़रूर लेना चाहिए ताकि आपका डाटा जो है वो सेव रह सके और इस कोशिश करें इस अपडेट को जो है वो वाईफाई के थ्रू डाउनलोड और इंस्टॉल करें। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो 1 फरवरी 2022 का है जी फ्रेंड्स। लेटेस्ट फरवरी का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा 2022 का। हालांकि मार्च का सिक्योरिटी पैच अपडेट सिर्फ एक डिवाइस के लिए जो है वो रोल आउट किया गया है सैमसंग की तरफ से, उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों को जल्दी लेके आऊँगा। तो यहाँ पर फिलहाल गैलेक्सी A50 कॉर्पोरेट लेवल की डिवाइस है, इसको फरवरी 2022 का सिक्योरिटी पैच अपडेट जो है वो मिल चुका है। 1 GB का राउंड अबाउट अपडेट साइज़ है, 935 935 MB का अपडेट साइज़ जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके चेंज लॉग के हवाले से। यहाँ पर व्हाट्स न्यू है, व्हाट्स न्यू आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव, डिवाइस की सिक्योरिटी जो है वो इम्प्रूव की गई है। आप लोगों को ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, डिवाइस की सिक्योरिटी जो है इस अपडेट के अंदर फरवरी 2022 के सिक्योरिटी पैच अपडेट के साथ आप लोगों को इम्प्रूव देखने को मिलेगी। इसके बाद जो है छोटे से और इसमें चेंज लॉग है, वह सॉफ्टवेयर अपडेट कैन इंक्लूड बट इज़ नॉट लिमिटेड टू डिवाइस की स्टेबिलिटी इंप्रूवमेंट्स, बग्स फिक्सेस, न्यू एंड एनहांस फीचर, फर्दर इंप्रूवमेंट्स टू परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो डिवाइस की स्टेबिलिटी जो है वो इम्प्रूव की गई है, डिवाइस की सिक्योरिटी के साथ साथ कुछ छोटे मोटे बग्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं, कुछ इन्हांस फीचर जो हैं वो ऐड किए गए हैं और फर्दर जो है वो आप लोगों को परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव मिलेगी इस लेटेस्ट फरवरी 2022 के सिक्योरिटी पैच अपडेट के बाद। तो यहाँ पर ये लेटेस्ट अपडेट है जो मिला है सैमसंग गैलेक्सी A50 की डिवाइस को। वो तमाम फ्रेंड जिनको ये अपडेट नहीं मिला और उनके पास सैमसंग गैलेक्सी A50 की डिवाइस मौजूद है वो बिल्कुल भी घबराए नहीं, 3 से 4 वीक के अंदर अंदर 100% रोल आउट जो है वो हो जाएगा सैमसंग गैलेक्सी A50 के तमाम यूज़र्स के लिए। इस अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप लोगों ने कि आपकी डिवाइस के अंदर चेंजेस क्या देखने को मिली हैं। तो यहाँ पर फरवरी का अपडेट आप लोगों को अपनी डिवाइस सैमसंग गैलेक्सी A50 के अंदर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर डिवाइस की सिक्योरिटी जो है इसको इम्प्रूव किया गया है, डिवाइस की स्टेबिलिटी जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स लाई गई हैं, कुछ बग्स जो हैं वो फिक्स किए गए हैं और फर्दर जो है डिवाइस की परफॉर्मेंस के अंदर भी आप लोगों को स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। बैटरी बैकअप यहाँ पर जो है इस अपडेट के बाद जो है सुनने में आगे कम हुआ है,
आप लोगों ने मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों के डिवाइस की बैटरी बैकअप कम हुआ है या ज़्यादा हुआ है या वैसे ही है जैसे लास्ट अपडेट के बाद आप लोगों को देखने को मिला था। तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और किसी किसी के बेल आइकन को प्रेस करके मेरे लेटेस्ट अपडेट जो है वो हासिल करते रहिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, जल्द मुलाकात होगी। अपना के बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।